सूबाई वज़ीर इमदाद बाहमी मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़ ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम की मुकद्दस अय्याम के दौरान पायदार अमनोअमा और मज़हबी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए ज़राए इब्लाग का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल है और मीडिया नुमाइंदगान ने इन मुकद्दस अय्याम की कवरेज के लिए हमेशा इंतहाई ज़िम्मेदाराना तामीरी और मुस्बत किरदार अदा किया जो हमारा काबिल फ़ख्र कौमी एहसासा है। इन ख्यालात का इजहार सूबाई वज़ीर इमदाद बाहमी मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़ ने कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न साकिब ज़फ़र के हमरा इनके दफ्तर में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान किया। उन्होंने कहा कि बहावलपुर अमन और सुलह जो अवाम की सरजमीन है, यहाँ तमाम मकातब फिक्र के उलमाए कराम मिंबर और मेहराब से मजहबी हम आहंगी रवादारी भाईचारे की फजा को फरोग देते हैं। सूबाई वजीर ने कहा कि मुल्क की तमाम सियासी जमातें पायदार अमन के असूल के लिए एक सफा पर हैं। इस सिलसिले में वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर अला पंजाब शहबाज शरीफ ने वतन अजीज में क़याम अमन को अपनी कौमी तरजीहात में सर फहरिस्त रखा है। सूबाई वजीर मलिक इकबाल चन्नड़ ने कहा कि मुहर्रम अल हराम के मरकजी जुलूस की निगरानी में वो खुद शामिल होंगे और यूनियन कौंसिल के चेयरमैन अपने मुतल्लिका इलाकों के अशूरा के जुलूस में इंतजामिया के हमरा शरीक होंगे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन साकिब जफर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि बहावलपुर डिवीजन के 516 आशूरा के मुख्तलिफ जलूस और 1400 मजालिस के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को मुतालिका महकमों ने हतमी शक्ल दे दी है। इन्होंने कहा कि मुहर्रम अल हराम के दौरान डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट सतह पर कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं जहाँ मीडिया के फोकल पर्सन को 24 घंटे मुकम्मल रसाई व रहनुमाई फराहम की जाएगी। मीडिया के नुमाइंदगान किसी भी इतला को रिपोर्ट करने से कबल मुतालिका अफसरान या फोकल पर्सन से तस्दीक जरूर कर लें ताकि अफवाह साजी को तकवीत ना मिले। कैमरामैन खुरम शाह मोहम्मद नईम खां के साथ डॉक्टर रिजवान अशरफ, हक की आवाज़, बहावलपुर।